खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जिनके घर पे अवन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लोग जिनके पास अवन नहीं है वो क्या करेंगे। देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो नए नए अवन लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब कुछ नया नया बनाया जाए। तो दो रेसिपी उन लोगों के लिए जिन्होंने नया नया अवन लिया है। यदि आपके पास पुराना अवन है तब भी देखिए, यदि आपके पास अवन नहीं है तब भी इस रेसिपी को देखिए, क्योंकि ये दोनों डिशेस बिना अवन के भी बनाई जा सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं एक आलू की डिश से, और ये आलू की डिश है जिसमें कॉर्न डला हुआ है। तो देखते हैं कॉर्न स्टफ्ड पोटैटोस। इसके लिए हमें चाहिए 8 मीडियम साइज आलू, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई सेलरी, 3/4 कप कॉर्न, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, 3 बड़े चम्मच मक्खन, आधा कप दूध, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1/4 कप फ्रेश क्रीम, 3 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ चीज़, आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और नमक स्वादानुसार। इस डिश के लिए सबसे पहले आप आलू ले लें। उन आलू को अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद उसे आप चाहें तो उबाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको रोस्ट कर दें। रोस्ट करने के लिए आप आलू ले लें, उसको एल्युमिनियम फॉइल में रोल करके आप ओवन के अंदर, प्री हीटेड ओवन, करीब 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आप इसको पकाएं और इसे करीब 40 मिनट तक आप पकने दें। जब ये पक जाए उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल में से आप निकाल लें और उसको आधा काट लें। यदि आप बॉयल कर रहे हैं तो पूरा बॉयल नहीं करें, थोड़ी सी कसर उस आलू में छोड़ दें। यदि आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो आप थोड़ा सा फोक से उसको पियर्स करके करीब 8 मिनट तक हाई पर माइक्रोवेव में कुक करें। जब आलू तैयार हो जाए, पूरे नहीं पकने चाहिए, थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए। उसके बाद आप आलू को स्किन के साथ ही इस तरह से बीच में से काट लें और अब इसके बीच में से हमने निकालना है। इस तरह से आप स्कूप कर लें इसे, इस तरह से ये जो आलू है उसे स्कूप कर लें। सारा नहीं हमने निकालना, इसमें जो आलू है उसकी लेयर रहनी चाहिए। इसी तरह से बाकी जितने आलू हैं उसको भी आप निकाल लें और जब आप ऐसे कर लें उसके बाद ये जितने आलू हैं इसको किसी बेकिंग डिश के अंदर आप लगाकर रख लें। अब इसकी जो स्टफिंग है उसको हम तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने से पहले आप अवन को गर्म कर लें, यानी अवन को प्री हीट कर लें और स्टफिंग के लिए मक्खन, इस मक्खन को हमने मेल्ट करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर आप मक्खन को ज्यादा गर्म करेंगे तो मक्खन जल सकता है और काला हो सकता है। अब देखिए मक्खन मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब आप इसके अंदर डालें बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई सेलरी। यदि आपको सेलरी नहीं मिलती है तो आप उसके बिना भी इस डिश को बना सकते हैं। अब प्याज और सेलरी को इकट्ठे सौते करना है हमने इस मक्खन के अंदर। अभी आपको इसमें मक्खन की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा लग रही होगी, वो इसलिए कि हमने इसमें मक्खन डाला ही ज़्यादा है, लेकिन वो इसलिए डाला है क्योंकि इसमें हमने अभी मैदे को भी थोड़ा भूनना है। आप देखेंगे कि स्टफिंग किस तरह से तैयार होगी इसकी। ये जो प्याज है इसे थोड़ा सॉफ्ट करना है। प्याज और सेलरी डालने के बाद थोड़ी देर उसको भूनना है हमने और अब इसमें डालें गार्लिक, बारीक कटा हुआ गार्लिक इसके अंदर डालें। और उसे भी थोड़ा भूनना है। इसके बाद पके हुए कॉर्न, आप चाहें तो फ्रोजन कॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये जो कॉर्न है ये पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। यदि कच्चे कॉर्न से आप बना रहे हैं तो उसको आप उबाल लें थोड़ा सा नमक डालकर, और यदि आप फ्रोजन कॉर्न इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उसे आप एक बार उबाल लें, क्योंकि जो फ्रोजन कॉर्न है उसमें भी थोड़ा पकने में टाइम लगता है। जब आप कॉर्न पका लें उसके बाद इसके अंदर डालें और कॉर्न को इन सब चीजों के साथ हमने थोड़ा भूनना है। इस कॉर्न में यदि कोई थोड़ा पानी है तो उसको सुखाना है और उसके बाद उसे थोड़ा सा भूनना है हमने। अब इसमें से मक्खन एक बार फिर नजर आ रहा है हमें। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हमने मैदा किस लिए डाला है। मैदे को थोड़ा भूनना है हमने। देखिए ये जो स्टफिंग है ये काफ़ी सूखी है अभी इस समय। ये जो आलू भी हमने तैयार किए हैं ये भी काफ़ी सूखे लग रहे हैं, और यदि इतनी सूखी डिश किसी को दी जाएगी तो लोग एक ही बार वो डिश खाएंगे, दोबारा कोई मांगेगा नहीं। ऐसी डिश बनानी चाहिए जो लोग बार बार मांग कर खाएं। इसमें मैदा डालने के बाद उस मैदे को भून लें, और इसमें से जब कच्ची स्मेल चली जाए तब इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा दूध। दूध डालने के बाद इसे थोड़ा सा दूध पहले डालें और मिक्स करें, उसके बाद थोड़ा और दूध। अब देखिए जो हमने मैदा इसके अंदर डाला था, उसे भुना था, उसकी वजह से इसमें थिकनेस आ रही है। थोड़ा और दूध इसमें डालते हैं हम, और साथ साथ इसे चलाते रहें। वैसे यदि आपके पास वाइट सॉस तैयार है तब भी आप वाइट सॉस इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो ये इंस्टेंट वाइट सॉस तैयार हो रही है। थोड़ा और दूध डालकर इसे पका रहे हैं हम। साथ साथ आप हिलाते जरूर रहें। यदि आप इकट्ठा दूध डाल देंगे तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे, और जो दूध है वो एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, चिल्ड नहीं होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट देते हैं, और टेस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है नमक, और इसके साथ इसमें हम डालते हैं पेपर पाउडर। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, और इसमें डालें चुटकी भर लाल मिर्च, थोड़ा सा इसमें रंग नया देने के लिए। ज़्यादा लाल मिर्च नहीं हमने डालनी है। और अब इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ धनिया और फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसे मिक्स कर लें, और इसमें चाहें तो थोड़ा सा चीज़ डाल सकते हैं। वैसे तो चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर भी टेस्ट आपने देना है तो थोड़ा चीज़ डालें, ग्रेट किया हुआ चीज़। देखिए कितने अच्छे क्रीमी कॉर्न तैयार हो गए हैं। अब इसे हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। अब ये जो कॉर्न तैयार हो गए हैं इसको हम डालेंगे इन आलू के अंदर। याद है आपको आलू किस तरह से हमने तैयार किए थे। आलू को पहले थोड़ा बॉईल कर लें या रोस्ट कर लें या माइक्रोवेव में पका लें, जिस तरह से भी पकाएं आलू पके हुए होने चाहिए, करीब 3/4 पके हुए होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि आलू 3/4 किस तरह से पकते हैं, कैसे पता चले कि आलू पूरे पके हैं या नहीं। आपको यदि लगे कि आलू थोड़े से कच्चे हैं तो इसका मतलब है 3/4, क्योंकि इसे अभी हमने अवन में पकाना है, तो इसलिए आप थोड़ा सा कच्चा रखें। यदि आपके पास अवन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि ये ऐसा एपिसोड है जिसमें यदि आपके पास अवन नहीं भी है तब भी आप ये डिशेस बना सकते हैं। उस केस में आप आलू को पूरा पका लें। यदि आपने अवन में इसे नहीं पकाना है तो उस केस में आलू पूरे पके हुए होने चाहिए, और आलू एकदम गर्म होने चाहिए जब आप इसमें स्टफिंग डालें। इस तरह से स्टफिंग इसके अंदर डाल दें, इसके बाद इसके ऊपर चीज़ डालें, हर आलू के ऊपर थोड़ा चीज़, और चीज़ डालने के बाद हर आलू के ऊपर थोड़ी सी आप क्रीम डालें, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा हरा धनिया सबके ऊपर इसके बाद आप इसको गर्मा गर्म अवन में यानी एकदम तेज़ अवन के अंदर हमने इसे पकाना है ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और जो आलू में थोड़ी सी कसर थी वो भी पूरी हो जाए। जब चीज़ मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा उस पर रंग आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि कितने बढ़िया तैयार हो जाते हैं आलू। खैर इसमें आलू का तो कुछ कमाल नहीं है, कमाल है सिर्फ इतने बढ़िया चीज़ और कॉर्न का। खैर चीज़ का मज़ा लेना है तो अगली डिश देखिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ है वो सॉस में डला है और बनेगा लॉबस्टर के साथ। यदि लॉबस्टर पसंद है तो ध्यान से नोट कीजिए कि किस तरह से बनता है लॉबस्टर थर्मिडोर। इसके लिए एक पैन में मक्खन लेकर उसमें बारीक कटा प्याज, बारीक कटी सेलरी डालकर उसको थोड़ा सौते करें। इसमें बारीक कटा लहसुन डालें और इसको भी थोड़ा मिला लें। अब इसके अंदर कॉर्न डालकर कॉर्न को भून लें। उसके बाद इसके अंदर मैदा डालकर इसको थोड़ा भुनें। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको मिलाएं। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए और इसका एक मिक्सचर तैयार कर लें। इसके बाद इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर इसको मिला लें। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें और इसको भी मिला लें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हरा धनिया और फ्रेश क्रीम डालकर मिलाएं। इसमें ग्रेटेड चीज़ डालकर इसको मिलाएं। इसके बाद आलू काटकर उसको बीच में से स्कूप कर लें और उसके बाद इसके अंदर कॉर्न के मिक्सचर को डालकर इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़, फ्रेश क्रीम और बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसको प्रीहीट अवन में कुछ देर पकाएं और सर्व करें। और अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी डिश जो बहुत सालों से मैं बना रहा हूं और बहुत पॉपुलर डिश है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि बनती एक ऐसी चीज़ से है जो सबको बहुत पसंद आती है। यदि आप शेलफिश खाते हैं तो लॉबस्टर आपको बहुत पसंद होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा लॉबस्टर थर्मिडोर बनाने का तरीका। देखते जाइए कि किस तरह से इतनी बढ़िया डिश बहुत ही आसानी से बन जाती है। लॉबस्टर थर्मिडोर के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के लॉबस्टर, एक मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच पार्सली बारीक कटा हुआ, 1 कप वाइट सॉस, आधा कप फ्रेश क्रीम, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1/4 छोटा चम्मच पेपर पाउडर, आधा कप ग्रेटेड चीज़, आधा छोटा चम्मच फ्रेंच मस्टर्ड और नमक स्वादानुसार। लॉबस्टर थर्मिडोर के लिए आप सबसे पहले लॉबस्टर, ये लॉबस्टर चीज़ क्या है? लॉबस्टर एक तरह की शेलफिश है जो काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। इसमें सिर्फ आपने देखना ये है कि आप जब ये लें तो एकदम फ्रेश होनी चाहिए। आप लॉबस्टर जब सेलेक्ट करें तो बड़े साइज़ का लेंगे, महंगा मिलता है लेकिन टेस्ट में अच्छा होता है। आप फ्रेश लॉबस्टर ले लें और उसको पकाने के लिए आप चाहें तो पहले उसको मार सकते हैं या जिंदा ही उसको पकाया जा सकता है। आप एक बर्तन में पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक और विनेगर डालकर लॉबस्टर उसके अंदर डालें और करीब 15 मिनट तक आप उसको पकाएं। आप देखेंगे कि जो लॉबस्टर शुरू में कुछ हरे और नीले रंग का होता है, पकने के बाद उसका रंग इस तरह से लाल या ऑरेंज हो जाता है। जब ऐसे हो जाए तब आप उसको निकाल लें और उसके बाद लंबा उसको काट लें। बीच में से इस तरह से 2 हिस्सों में हमने काटना है और उसके बाद ये जो इसका मीट है उसको निकाल लें। इस तरह से ये देखिए, इस शेल में से इस तरह से बहुत ही आसानी से इसका मीट निकल जाता है, ये देखिए। और इसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लें। और अब हम तैयारी करते हैं इसकी सॉस की। इसकी सॉस बनाने के लिए वाइट वाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आप वाइट वाइन ले लें और इसे रिड्यूस करेंगे हम। वाइट वाइन ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी वाली वाइट वाइन लें, कुकिंग वाइन आप ले सकते हैं। उसको एक बर्तन में डालें और उसके साथ इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ पार्सले। जब तक ये रिड्यूस होती है तब तक हम लॉबस्टर को सौते कर लेते हैं। लॉबस्टर सौते करने के लिए आप एक पैन में थोड़ा मक्खन और ऑलिव ऑयल, मक्खन ले लें। अब देखिए, अगर आप लॉबस्टर थर्मिडोर जैसी डिश खा रहे हैं तो अब आप कैलोरीज नहीं काउंट करें। इसमें ऑलिव ऑयल और इसके बाद इसमें डालें ये लॉबस्टर के पीसेस। जब ये थोड़ा सा सौते आप कर लें, इसे हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि जब भी कोई शेलफिश को आप बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो उतना ज़्यादा टफ होता जाएगा। अब आप इसको निकाल कर रख लें और उसके बाद इसी पैन में आप बैशमल सॉस ले लें। बैशमल सॉस यानी वाइट सॉस, जिसको बनाने का तरीका मैंने काफ़ी बार बताया है। ये वाइट सॉस को थोड़ा गर्म कर लें और इसके बाद ये जो वाइन है जिसमें हमने प्याज डाला था और पासली डाली थी, ये काफ़ी रिड्यूस हो गई है, तो अब इसे हम डालेंगे इसके अंदर। लेकिन प्याज नहीं हमने डालना है, इसको छान कर इसमें डालेंगे हम। और अब इसके साथ इसे रिड्यूस करना है हमने। जब ये सॉस थोड़ी रिड्यूस हो जाए तब आप इसके अंदर डालें थोड़ा और टेस्ट देने के लिए फ्रेंच मस्टर्ड, जो मस्टर्ड पेस्ट रहती है उसे डालें और उसे भी मिक्स कर लें। और इसके बाद इस सॉस में थोड़ा सा चीज़ डालें, थोड़ा नमक और पेपर पाउडर, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। जब चीज़ थोड़ा मेल्ट हो जाए तो जो हमने लॉबस्टर सौते किए थे उसको इसके अंदर डालेंगे हम। देखिए, मस्टर्ड की वजह से इसके अंदर थोड़ा हल्का रंग आ गया है। और इसके बाद इसमें डालें फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने के बाद एक बार फिर इसे हमने थोड़ा रिड्यूस करना है। अब ये जब सॉस थिकन हो जाए उसके बाद ये लॉबस्टर थर्मिडोर ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, लेकिन थोड़ा सा समय है, क्योंकि जब आपने इसे सर्व करना है तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए किसी आप बेकिंग डिश में या जिस डिश में आपने इसे सर्व करना है, लॉबस्टर शेल्स को नीचे रखें और लॉबस्टर को उसके अंदर डालें। इस तरह से भर दें इसके अंदर, आप पूरा इसके अंदर भरें। उसके बाद इसके ऊपर आप चीज़ डालें, ग्रेट किया हुआ चीज़ इसके ऊपर डालें। चीज़ डालने के बाद इसको आप प्री हीटेड ओवन या ग्रिल के अंदर पकाएं। पकाने का मतलब है कि इसमें जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाना चाहिए। और जब चीज़ मेल्ट हो जाए तो आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें, क्योंकि लॉबस्टर थर्मिडोर ऐसी चीज़ है कि जैसे ही आप बनाएं और जैसे ही तैयार हो एकदम खा जाना चाहिए। इंतज़ार बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके लिए एक पैन में व्हाइट सॉस लेकर उसको थोड़ा मिला लें। साथ में एक दूसरे पैन में व्हाइट वाइन लेकर उसके अंदर बारीक कटा प्याज डालें। इसके साथ पासली डालकर इसको मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को छानकर व्हाइट सॉस में मिला लें। उसके बाद इसमें फ्रेंच मस्टर्ड डालकर इसको मिला लें। अब इसमें ग्रेटेड चीज़, नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर मिलाएँ। इसके बाद एक पैन में मक्खन और ऑलिव ऑयल लेकर उसके अंदर लॉबस्टर के पीसेस को डालकर इसको सौते कर लें। उसके बाद इन पीसेस को व्हाइट सॉस के अंदर डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम डालें और इन्हें मिलाकर लॉबस्टर शेल्स के ऊपर इनको डालकर इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ डालें और उसके बाद प्रीहीट ओवन में कुछ देर पकाएं और सर्व करें।